वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं केसर पिस्ता लस्सी। फ्रेंड्स, गर्मियां आ चुकी हैं और हम सबको भी गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, तो चलिए मेरे साथ बनाइए केसर पिस्ता लस्सी। केसर पिस्ता लस्सी बनाने के लिए एक बाउल चीनी को पीस लिया है। ये केसर को मैंने दही में भिगो दिया है। ये टूटी फ्रूटी एक चम्मच ले रखी है। ये नारियल मैंने आधा बाउल से थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है। ये 8 से 10 पिस्ता है। बादाम ले रखा है मैंने, और ये आधी बाउल मैंने दही ले रखी है। ये जो लस्सी हम बना रहे हैं, ये पूरे 4 ग्लास के लिए हम बना रहे हैं। तो आइए हम बनाते हैं लस्सी। इसको हम अच्छे से विस्क की मदद के अच्छे से विस्क करेंगे। तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी हैंड से ही करें, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आइए फिर ये बनाते हैं। कितने अच्छे से इसकी जाग आ रही है, बहुत ही अच्छी क्रीम आ रही है इसकी। ऐसे ही हमें पेट लेना है। हम लस्सी पीने के लिए जब बाहर जाते हैं तो कैसे रेस्टोरेंट में बैठ के जब लस्सी पीते हैं तो कैसे इसमें अच्छी सी झाग रहती है। आज हम रेस्टोरेंट से भी अच्छी लस्सी अपने घर में बनाएंगे। अब इसी स्टेज पर हम शुगर सारी हम डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं इसमें, और कितना ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका। गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे ये पूरे जाग ऊपर आ गए हैं, बबल्स बहुत अच्छे से आए हैं। इसी स्टेज पर हम अपनी केसर डाल देंगे इसमें। सर ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से इसको विस्क कर लिया है। आइए हम ग्लास में इसको गार्निश करते हैं। ये देखिए, मैंने ग्लास को फ्रिज में रख दिया था लमसम हाफ आवर के लिए। आप ये देख सकते हैं ग्लास हमारे कितने चिल है। चलिए सबसे पहले आइस डाल देते हैं इसमें हम। आइस हमने डाल दिया, अब हम अपनी लस्सी डालते हैं इसमें। देखिए कितने अच्छे से हमारे ग्लास लग रहे हैं। आइए कुछ नारियल मैंने घस के रखे थे उसको डाल देते हैं। अपने पिस्ता से ऑलमंड चेरी यानी कि टूटी फ्रूटी। ये लीजिए हमारी केसर पिस्ता लस्सी बनके रेडी है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये भी लिखकर बताएं कि क्या आपने ये लस्सी अपने घर में बनाई। अगर बनाई तो आपको कैसी लगी। प्लीज गाइस, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अपने घर में अगर ये केसर पिस्ता लस्सी बनाई है तो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।